बताऊंगा कैसे माइनक्राफ्ट में आयरन फार्म बना सकते हैं, वो भी कमांड ब्लॉक से। जी हाँ, कमांड ब्लॉक से। मैं फर्स्ट पर्सन में आने के बाद मिलता हूँ तब तक के लिए, और मैं सामान निकालता हूँ तब तक के लिए रुकिए। तो ओके गाइज, मैंने सारा सामान इसमें ले लिया है। आपको एक तीन बाल्टियाँ चाहिए पानी भरी हुई, एक बाल्टी लावा, और हॉपर, और कोई भी स्टोन, और चार ग्लास, चार चेस्ट। तो मैं ये सारा सामान निकाल लेता हूँ। हमें पहले एक बेस बनाना होगा, दो का बीच में गैप छोड़ के ऐसे में एक बेस बनाना होगा, चार ब्लॉक ऊंचा। मैं आपको ये बेस बनाने के बाद मिलता हूँ, फिर तब तक के लिए 2 मिनट रुक जाइए आप। तो गाइज, मैंने बेस बना लिया है। आपको 8x8 का मैं पूरा समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे हम रखेंगे अपनी चेस्ट। आपको 9 होपर सिर्फ इसमें लगेंगे, आपको 2 होपर और लेने पड़ेंगे। यहाँ पे पहले मैं चेस्ट का सिस्टम कर दूँ। ये चेस्ट लगाने के बाद मेरे को यहाँ लगाने हैं 9 होपर, 1 2। आप इसे क्राउच करके ही लगा सकते हैं, वरना तो ये लगेंगे नहीं। एक और एक यहाँ पे लग जाए। तो गाइस, मैंने हॉपर लगा लिए हैं। आपको अब मैं डिटेल बता देता हूँ पूरी, कि आपको पहले यहाँ पे 3 ब्लॉक का पहले यहाँ से बनाना है दोनों का, फिर पीछे से भी 3 का कर देना है। 3 ब्लॉक इसलिए क्योंकि हम नीचे तो यहाँ पे साइन बोर्ड लगा देंगे इस वाली रो में, और इसके ऊपर होगा लावा जहाँ पे गोलम मरेंगे। और हम यहाँ पे ये बेस है 8x4 का, तो आपको भी 8x4 का बना लेना है, और 4 बाल्टी पानी यहाँ पर डाल देनी है। ये देखिए गाइस, यहाँ पानी इसके आगे जा नहीं रहा, और हमें अब यहाँ लगा देने हैं साइन बोर्ड। अभी मैं बता देता हूँ टोटल कितने साइन बोर्ड लगेंगे। अगर आपको कुछ लिखना है साइन बोर्ड के ऊपर तो आपकी मर्जी हो तो। अरे 2 मिनट, हाँ। और ये आखिरी साइन बोर्ड, देखिए गाइस, बस ये हो गया। और आपको बस यहाँ से अब कवर कर देना है ऊपर की साइड से, यहाँ से, और फिर आपको यहाँ लगा देने हैं आपके 4 ग्लास, 1 2 3 और ये 4। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई है ना, मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ डालते हैं हम लावा। लावा साइन बोर्ड के करके जाएगा नहीं नीचे, और अब हमें जाना होगा यहाँ नीचे, यहाँ से थोड़ी क्लीन कर लेना कि आपकी बहुत सारी गॉम समान हो सकते हैं कमांड ब्लॉक के, तो वो चेस्ट ये पूरी साइन ही पाएगी मेरे हिसाब से, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं करना तो आपकी मर्जी है। तो अगर आपके पास आयरन कम है, ये हॉपर को ऐसे लगा देना है बस। अब जो आयरन आएगा पहले इसमें आएगा, फिर उधर से इसमें चले जाएगा। जब ये भर जाएगा, हॉपर भर जाएंगे, फिर इसके अंदर जाना होगा। और अब मैं कमांड ब्लॉक मंगा लेता हूँ और चिट्स लिख लेता हूँ, तब तक के लिए मैं रुकता हूँ। तो गाइज, आपको ये नोट कर लेना है कहीं पे, फिर आपको ये कमांड ब्लॉक में लिख लेना है, फिर आपको यहाँ पे इसको रिपीटर पे कर देना है। ध्यान से देख लीजिए आपको कैसे लिखना है, ऐसे ही लिख लेना। उसके बाद आपको यहाँ से निकलना है, और ये देखिए गाइज, मैंने इसको लीवर यहाँ पर लगाया, आवाज़ आपको सुन लीजिए। मैंने इसे बंद किया, पता ही लग गया होगा। अब आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।